सभा में मौजूद सभी माननीय विशिष्ट जनों को सादर नमस्कार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया डेट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, मान्य उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। ये सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना के को पढ़ने में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राज्यभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और दूसरा संविधान लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी क्विज, जिसमें कोई भी कहीं से भाग ले सकता है और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पुनः इस भव्य अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों को और माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी,
मान्य लोकसभा स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को स्वागत करते हुए फिर से आपको सब स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Right, that was Prahlad Joshi, the Parliament Affairs Minister, who was speaking at the event on marking Constitution Day. अधिकारों की व्यवस्था की है, पर आज अवसर है कि हम संविधान दिवस के दिन अपने कर्तव्यों पर भी विचार करें, मंथन करें। संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अंदर जनता की समस्याओं और अभावों पर होने वाली चर्चा, संवाद, चिंतन, मनन से जो अमृत निकलेगा उससे आम जन के जीवन को सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें, देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में संविधान दिवस के दिन हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। आज संसद द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में गरिमा रूप से उपस्थित गौरवान्वित करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कई देशों से आए मेरे मित्र पड़ोसी देशों के सभी राजदूतों को भी इस संविधान दिवस पर अभिनंदन करता हूं। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर हम सभी को अपने शब्दों के द्वारा अनुग्रहित करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और सदन में उपस्थित संविधान के प्रति समर्पित सभी भाइयों और बहनों, आज का दिवस बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वत जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिनों ने अपना बलिदान दिया,
अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आदरणीय महानुभाव, कभी हम सोचे कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता? आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वार, भारत विभाजन की विभीषिका, सबके बावजूद भी देश हित सुप्रीम हरेक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने, उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। साथियों, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा
सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहां ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर के 125वीं जयंती थी हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। और इसी में से और मुझे याद जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी न होना ये भी एक चिंता का विषय है। साथियों, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है, राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है, संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं।